अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलें इसी के साथ अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी रफ शर्ट हो जो आप नहीं पहनती हो, आपने उसको लेना है, काटना है और बना लेना है। और इसके साथ आपको चाहिए यार्न, मेरे पास है ये ब्लू कलर का और एक है मेरे पास ये वाइट कलर में, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं। और एक चाहिए हमें सीजर, ये हर कलर में बहुत अच्छा लगेगा। मैंने लिए हैं ये ब्लू और वाइट कलर, ये मल्टी कलर में बहुत अच्छा लगेगा, आप चाहें तो फन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने इस कपड़े को रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लेना है, और उसके बाद आपने इसकी स्ट्रिप्स कट करनी है, और स्ट्रिप्स बिल्कुल स्ट्रेट कट करनी है। हाँ जी, तो मैंने इस स्ट्रिप्स को पहले से कट करके रखा हुआ है मल्टी कलर में, तीन चार कलर में आप इसको कट कर लीजिएगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहें तो एक कलर की भी बहुत सारी कट करके रख सकते हैं, और ये आपके लेंथ के हिसाब से आपको कितना बड़ा चाहिए उस हिसाब से आप स्ट्रिप्स कट कर लें। जी, तो आपने क्या करना है, आपने एक फ्रेम ले लेना है, मेरे पास ये आयरन का फ्रेम है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, बस फ्रेम होना चाहिए, स्क्वायर में या रेक्टेंगुलर जो भी शेप हो आपको, जो भी बनाने लेंथ के हिसाब से है ये आपके। और इसके अंदर फिर आपको ये यार्न बांध लेने हैं, लंबे लंबे करके बांधने हैं वर्टिकली। हाँ जी, तो फिर हम एक स्ट्रिप लेंगे और उसको ऐसे राउंड राउंड हम करेंगे ताकि ये पतला पतला आए, क्योंकि वरना ये बहुत ही लाइट हो जाएगा। और फिर हम इसको जो यार्न है हम इसमें इसकी एक नॉट लगाएंगे, और नॉट बिल्कुल टाइट से लगानी है क्योंकि यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमने ये नॉट लगा ली है, अब हम इस स्ट्रिप को हल्का सा राउंड राउंड करते हुए ये जो हमने यार्न वर्टिकली बांधे हैं इसके ऊपर से अप एंड डाउन फोल्ड करते हुए लेके आएंगे, जैसे कि एक हम डालेंगे ऊपर फिर उसको नीचे से हम करेंगे फोल्ड, जैसे कि अब हमने ये ऊपर डाला और फोल्ड कर दिया, एक ऊपर रहने देंगे और एक नीचे, ऐसे करते हुए हम पूरा लेके आ जाएंगे।
जी, तो अब हमने ये एक रो कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्ट्रिप है इसको हल्का सा राउंड करके एक स्ट्रिप उठा के उसके नीचे से हल्का सा लेंगे, और स्ट्रिप बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बिल्कुल वैसे ही अप एंड डाउन करते हुए सेकेंड रो भी कम्प्लीट करेंगे। जब ये एक स्ट्रिप हमारी ख़त्म हो जाएगी तो हम इसमें जॉइंट लगाने के लिए क्या करेंगे, एक और स्ट्रिप लेंगे हम, और पहले स्ट्रिप के बिल्कुल एंड पॉइंट पे हम कट लगाएंगे। बिल्कुल कट हल्का सा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा कट नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो हमने कट लगा लिया है, देखें आप बिल्कुल हल्का सा है। और इसी तरह हम दूसरी स्ट्रिप में भी ऐसे ही कट लगाएंगे, बिल्कुल हल्का सा छोटा सा कट। हाँ जी, तो हमने कट लगा लिया है दोनों साइड पे। अब हम क्या करेंगे, जो पहले स्ट्रिप है हम उसके जो हमने कट लगाया था उसमें से हम सेकेंड स्ट्रिप को पार कर देंगे। हाँ जी, तो ये देखें नॉट लग चुकी है, और ये बहुत टाइट नॉट लग चुकी है। अब ये बिल्कुल नहीं खुलेगी, और अब बाकी का हम इसको ऐसा ही कंटिन्यू कर देंगे। जब ये बिल्कुल एंड पे आ जाएगा सेकंड रो अभी, तो हम इसको बिल्कुल राउंड करके हल्का सा राउंड करेंगे। बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल लूज छोड़ना है हमें, बिल्कुल भी स्ट्रेचिंग नहीं देनी है। हमें दोबारा ज्वाइन के लिए हमें बिल्कुल वही टेक्निक यूज करनी है, बिल्कुल ईजली हो जाएगा ऐसे। हाँ जी, तो अब हमने एक कलर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। आप चाहे तो आप ऐसे ही पूरा एक कलर का बना सकते हैं, या आप कोई और सा भी कलर ले सकते हैं। मैंने लिया है इसमें रेड कलर, ही बहुत अच्छा लगेगा। और बिल्कुल वैसे ही हमने इसमें ज्वाइंट लगाना है, और वैसे ही बिल्कुल कंटिन्यू करना है अप एंड डाउन
हाँ जी, तो अब हमने रेड कलर भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसमें दोबारा मल्टी कलर ज्वाइन करेंगे। आप चाहें तो आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं और फिर हम इसको वैसे ही कंटिन्यू कर देंगे। हाँ जी, तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी बिल्कुल लास्ट रो कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ जी, जब हम एंड में इसकी नॉट लगाएंगे तो हमने बिल्कुल सिंपल वाली ही नॉट लगानी है। इसको 2-3 दफ़ा बस हम रिपीट कर देंगे और ये बिल्कुल पक्का काम हो जाएगा। हाँ जी, तो भाई अब हमने क्या करना है, अब हम इस एंगल में से निकालने से पहले इसके अंदर दूसरे यार्न के स्ट्रिप्स कट करके इसके अंदर नॉट लगा लेनी है हमें। हाँ जी, तो भाई अब हमने जो नॉट लगा ली है, अब हम इनमें अगेन नॉट लगाएंगे बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, जब ये नॉट लग जाएंगे तो हम इसको फिर एंगल से निकाल देंगे, इसको सीजर से हम कट कर देंगे।
आज इधर हमने क्या करना है, अब हमने इसकी फिनिशिंग करनी है। जो एक्स्ट्रा है हमने उसको कट कर देना है ताकि इसकी फिनिशिंग हो जाए। और अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो यार्न है आप इसको ऐसे खोल दें तो ये बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। हाँ जी, देखें हमने इनको ऐसे खोल दिया और ये देखें कितना अच्छे लुक दे रहे हैं। और हमने इसको ऐसे कॉम से एक दफ़ा ऐसे भी किया था ताकि ये और अच्छी तरह बिल्कुल मिक्स्ड हो जाए। हाँ जी, तब हम इसको दूसरी साइड से भी ऐसे ही बना देंगे ताकि ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तब हम इसको करके वापस आते हैं। हाँ जी, देखें ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया और ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लुक दे रहा है। आप भी इसको घर में बना सकते हैं, बहुत ही इजी टेक्निक है, बहुत ही आसान है, इसको कोई भी बना सकता है। हाँ जी, तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।